गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं इंद्रजीत। फ्रेंड्स, आज मैं इंग्लिश का टेस्ट सीरीज लेकर आया हूं आप सबके लिए। इम्पोर्टेंट चुनिंदा क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट रहेगा। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, अमन हैज बीन क्राइंग, फिल इन द ब्लैंक्स, अर्ली मॉर्निंग। इसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए ऑफ, ऑप्शन बी सिंस, ऑप्शन सी फॉर, ऑप्शन डी फ्रॉम। तो देखिए, सेंटेंस को पढ़िएगा और इसके आंसर को देने का प्रयास कीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सिंस, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग आया है, उसके सामने आपको प्रीपोजिशन का यूज करना है। तो अर्ली मॉर्निंग क्या है, आपका एक निश्चित डेडलाइन बता रहा है, टाइम बता रहा है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सिंस। अगर ये अनिश्चित होता तो इसका राइट आंसर हो जाता फॉर। क्लियर? बाय द वे, हमारे क्वेश्चन में रहता, लास्ट में रह जाता अमन हैज बीन क्राइंग, फिर फिल इन द ब्लैंक्स, फोर डेज। तो यहां चार दिन वाली बात आ रही है, और कौन सी चार दिन है हमको नहीं पता। हो सकता है वो चार दिन आपका सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार हो जाए, या गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार हो जाए। तो यहां कहीं फिक्स नहीं है, तो इसलिए हम वहां यूज करते फॉर का। क्लियर हो रहा है ना एकदम सा? देखिए, क्वेश्चन नंबर टू देखेंगे, ट्रांसलेट इनटू हिंदी। क्वेश्चन है आपका, द चाइल्ड वॉज वीपिंग एज हिज टॉय कार हैड ब्रोकन डाउन। अब इसके ऑप्शंस आप देखेंगे, बच्चा रो रहा था क्योंकि उसकी खिलौना कार टूट गई थी। ऑप्शन बी देखेंगे, बच्चा रो रहा था क्योंकि उसकी खिलौना कार टूटकर नीचे गिर गई थी। ऑप्शन नंबर सी, बच्चा रोया क्योंकि उसकी खिलौना कार खराब हो गई थी। ऑप्शन नंबर डी, बच्चा रो रहा था क्योंकि उसकी खिलौना कार खराब हो गई थी। तो देखिएगा, आपके जो क्वेश्चंस हैं वो बोल रहे हैं, द चाइल्ड वॉज वीपिंग एस हिज टॉय कार हैड ब्रोकन डाउन। तो यहां कहीं भी खराब होना था, डैमेज तो कहीं लिखा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर तो बिल्कुल नहीं हो सकता है, और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बच्चा रो रहा था क्योंकि उसकी खिलौना कार टूट गई थी। क्लियर? ऑप्शन नंबर सी तो बिल्कुल आंसर नहीं होगा, क्योंकि लिखा है बच्चा रोया क्योंकि। तो आप क्वेश्चन में पढ़ेंगे तो चाइल्ड वॉज वीपिंग, तो ये तो आपका पास्ट कंटिन्यूअस का हो रहा है, वीपिंग में आई एन जी आ रहा है, तो ये तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आंसर हो ही नहीं सकता है, तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर थ्री मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग एंट्रीज ऑफ एन ऑफिशियल लेटर इन प्रॉपर सीक्वेंस। अब इसके आप देखिएगा, फर्स्ट लेकर सेवन तक के सारे लिखे हुए हैं। तो फर्स्ट में लिखा आपका हेडिंग, सेकंड है आपका इनसाइड एड्रेस, फिर आपका मैसेज, फिर आपका रेफरेंस, उसके बाद है पांचवा है आपका डेट, फिर आपका सॉल्यूटेशन, और सेवेंथ है आपका कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज। तो इतने सारे चीजें दी हुई है, उसके बाद आप ऑप्शन भी चेक करेंगे। ऑप्शन दिया हुआ आपका क्या क्या दिया है, ऑप्शन ए दिया हुआ है, उसमें एक सीक्वेंस में जमा के दिया हुआ ऑप्शन को भी, तो उसमें हमको चेक करना है कौन सा आंसर हमारा करेक्ट होगा, कैसे सीक्वेंस में आएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए कैसे जमेगा सीक्वेंस में, सबसे पहले हम कोई भी लेटर लिखते हैं तो उसमें सबसे पहले हेडिंग रहेगा, फिर डेट रहेगा, फिर इनसाइड एड्रेस रहेगा, फिर आपका फोर्थ में रहेगा आपका सॉल्यूटेशन, उसके बाद रहेगा आपका मैसेज रहेगा, फिर आपका कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज रहेगा, उसके बाद लास्ट में आपका क्या रहेगा, रेफरेंस रहेगा। तो इस टाइप के आपके लेटर्स में सीक्वेंस चलते हैं, उसके अकॉर्डिंग इसको आपको आंसर देना था। क्वेश्चन नंबर फोर, फुल फॉर्म ऑफ ईटीसी इज, इसके चार ऑप्शन देखिएगा, कौन से इसका फुल फॉर्म हो सकता है। बहुत ही दिलचस्प क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा यूज होता है, बचपन से हम इसका यूज कर रहे हैं ईटीसी का। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एटसेट्रा, इसका मतलब होता है आदि।
क्लियर। क्वेश्चन नंबर 5, गिव एंटोनिम ऑफ प्रोडिजियस। इसके विलोम देखने आपको ऑप्शन आप चेक करिएगा, ऑप्शन ए रीच, ऑप्शन बी है आपका अनयूजुअल, ऑप्शन नंबर सी है एबनॉर्मल और ऑप्शन नंबर डी है अनएक्सेप्शनल। तो देखिएगा सबके आप मीनिंग्स को अच्छे से करिएगा। आपका क्वेश्चन है प्रोडिजियस, तो इसका मतलब होता है विलक्षण, किसी का विलक्षण गुण हो, तो इसका आपको एंटोनिम्स विलोम देखना है, उल्टा देखना है। तो रीच अमीर ये तो होगा नहीं, फिर ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा आपका। क्या होगा आपका आंसर? अनएक्सेप्शनल, इसका मतलब होता है साधारण। और ऑप्शन नंबर बी आप देखेंगे एबनॉर्मल, तो इसका मतलब तो असामान्य होगा। और ऑप्शन नंबर बी आपका अनयूजुअल, तो इसमें भी आपके आंसर होंगे नहीं, इसका मतलब भी वही है असमान। तो भाई आपका मेन है आपका विलक्षण, तो विलक्षण मतलब क्या हो गया, क्वालिटी को दर्शा रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 6, डिटरमाइन द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द वर्ड टिल इन द सेंटेंस। अब सेंटेंस को देखिएगा, आई विल स्टे हियर टिल इट बिगिंस टू गेट कोल्ड। अब आपको क्या करना है, क्वेश्चन से आपको देखना है जो टिल है वो क्वेश्चन में क्या काम कर रहा है, तो है क्या वो। इसके लिए ऑप्शन है आपके एडजेक्टिव, ऑप्शन बी है एडवर्ब, ऑप्शन सी है कंजक्शन, ऑप्शन नंबर डी है आपका प्रीपोजिशन। तो क्लियर पहले कर लेते हैं, क्या लिखा है, आई विल स्टे हियर, मैं तब तक यहां रहूंगा, फिर टिल इट बिगिंस टू गेट कोल्ड, जब तक कि ठंड शुरू नहीं हो जाती। तो आप देखिएगा टिल जो है वो दो सेंटेंस को यहां जोड़ने का काम कर रहा है, अर्थात इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कंजक्शन, अर्थात यहां संयोजन हो रहा है दो सेंटेंस का। और एडजेक्टिव का मतलब तो आप जानते ही हैं विशेषण, वैसे ही आपका एडवर्ब है क्रिया विशेषण और आपका प्रीपोजिशन, तो ये पूर्व सर्ग होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, करेक्ट द स्पेलिंग मिस्टेक इन द फॉलोइंग सेंटेंस। सेंटेंस में देखना है कि कौन सा स्पेलिंग करेक्ट नहीं है, मिस्टेक है। तो आई डू नॉट बिलीव इन, अब इसके बाद जो लिखा हुआ है वो स्पेलिंग को आपको देखना है कि उसकी राइट स्पेलिंग क्या होगी, ऑप्शन से जाना है आपको। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्या हो जाएगा, आई डू नॉट बिलीव इन हिपोक्रेसी, मतलब मैं पाखंड में विश्वास नहीं रखता, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 8, गिव द सिनोनिम ऑफ हैगेट। ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन नंबर ए चीट, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका वो है इमिशिएटेड, उसके बाद ऑप्शन नंबर सी है श्रूड, उसके बाद ऑप्शन नंबर डी है आपका फिल्थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए सिनोनिम पूछ रहा है आपको, समानार्थी शब्द पूछ रहा है किसका, हैगेट का, तो सिमिलर आपको देखना पड़ेगा। हैगेट का मतलब क्या होगा, थका हुआ, थोड़ा कमजोर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इमिशिएटेड, इसका मतलब भी होता है कमजोर। और ऑप्शन नंबर ए देखेंगे चीट, चीट का मतलब तो धोखा होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका श्रीवुड, इसका मतलब चतुर चलाक। और ऑप्शन नंबर डी आपका फिल्थी, तो ये बहुत ही खराब, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 9, रीअरेंज द फॉलोइंग इनटू अ मीनिंगफुल सेंटेंस। आपके पास 1 से लेकर 7 तक दिए हुए हैं, उसको क्या करना है, अपने को एक सेंटेंस में बनाना है ताकि उसका एक मीनिंगफुल सेंटेंसेस बन सके। तो देखिएगा फर्स्ट में आपका पाथ लिखा है और लास्ट में लिखा है ऑफ, अब इसको आप क्रम से जमाना है, कैसे जमाएंगे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पहले 1 आएगा फिर 7 आएगा फिर 2 आएगा, तो एक सेंटेंसेस बनेंगे इसके, कैसे बनेंगे, पाथ्स ऑफ ग्लोरी हिट सॉरी लीड बट टू द ग्रेव। तो सिंपल से एक सेंटेंस बनाए, एक्चुअली क्या है ये एक पोएट्री है, कविता है, तो ये आपका बन गया आपका पाथ्स ऑफ ग्लोरी लीड बट टू द ग्रेव, मतलब महिमा नेतृत्व का रास्ता लेकिन कब्र के लिए। क्वेश्चन नंबर 10,
इट इज वेरी डिफिकल्ट टू लर्न फिल इन द ब्लैंक्स चाइनीज लैंग्वेज विच इज फेमस इन द वर्ल्ड. इसके ऑप्शन है, आर्टिकल के क्वेश्चन है. ऑप्शन ए अ, ऑप्शन बी द, ऑप्शन सी नो आर्टिकल्स, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं. तो आप देखिएगा जब भी आर्टिकल के क्वेश्चन आते हैं तो आप फिल इन द ब्लैंक्स देखिए, उसके बाद क्या लिखा हुआ है उसको देखिए. तो फिल इन द ब्लैंक्स के बाद यहाँ लिखा हुआ है चाइनीज, और चाइनीज क्या एक लैंग्वेज है, और लैंग्वेज के साथ कभी भी कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं होता. तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी नो आर्टिकल. क्वेश्चन नंबर 11, चूज द करेक्ट वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग. अब देखिए क्वेश्चन, क्वेश्चन है आपका एन आर्टिफिशियल वाटर बॉडी मेड बाय मैन. ऑप्शन ए स्विमिंग पूल, ऑप्शन बी सी, ऑप्शन सी रिवर, ऑप्शन नंबर डी ओशियन. देखिए आपका क्वेश्चन बोल रहा है मानव के द्वारा बनाया गया आपका वाटर बॉडी क्या है. तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए स्विमिंग पूल, क्योंकि आपके ऑप्शन देखेंगे सी रिवर और ओशियन, इसको तो हमने बनाया नहीं है, ये तो नेचुरल है, भगवान ने बना के हमको गिफ्ट किया है. क्लियर. क्वेश्चन नंबर 12, व्हेन द हेडमास्टर एंटर्ड द क्लास अ स्टूडेंट फिल इन द ब्लैंक्स ऑन द ब्लैक बोर्ड. अब इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए वॉज राइटिंग, ऑप्शन बी इज राइटिंग, ऑप्शन सी रोट, ऑप्शन नंबर डी राइट्स. तो देखिएगा जो आपका क्वेश्चन है तो स्टार्टिंग में लिखा है वेन, तो वेन के बाद जनरली क्या होता है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस ही लिखा जाता है. तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वॉज राइटिंग. ऑप्शन नंबर बी तो बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि पास्ट का कोई वहां है ही नहीं, हेल्पिंग वर्ब इज लिखा हुआ है, तो ये बिल्कुल नहीं होगा. अच्छा सेंटेंसेस अब बनेंगे कैसे, क्या हो जाएगा आप सेंटेंस, व्हेन द हेडमास्टर एंटर्ड द क्लास अ स्टूडेंट वॉज राइटिंग ऑन द ब्लैक बोर्ड. मतलब जब हेडमास्टर ने कक्षा में प्रवेश किया तो एक छात्र ब्लैक बोर्ड पर लिख रहा था, ऐसा ही आपका सेंटेंस बन जाएगा. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13, एन ऑफिशियल लेटर इज रिटन इन फिल इन द ब्लैंक्स लैंग्वेज. अब देखिएगा इसके ऑप्शन है आपका, ऑप्शन ए इम्पोलिट, ऑप्शन बी है आपका फॉर्मल, ऑप्शन सी हाईली इनफॉर्मल, ऑप्शन नंबर डी है आपका वेरी अम्बिगस. तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए क्वेश्चन आपका है ऑफिशियल लेटर, तो ऑफिशियल लेटर हमेशा आपका क्या होता है फॉर्मल लैंग्वेज में लिखा जाता है. क्लियर. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 14, विच वर्ड इज नॉट करेक्टली स्पेल्ड. इसके ऑप्शन आप देख लीजिएगा, सारे ऑप्शन चेक करके बताइएगा कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि करेक्ट स्पेलिंग वाला नहीं है. तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका स्पेलिंग है गलत, इसका होना चाहिए एन आई ई सी ई, जबकि दिया क्या है एन ई आई सी ई निस, एन आई ई सी निस का मतलब होता है आपका भतीजी या फिर भांजी. क्लियर हो गया. ऑप्शन ए इसमें क्या था आपका कंसीव, इसका मतलब क्या होता है गर्भधारण. ऑप्शन नंबर बी इसका भी आपका जो लेटर्स लिखे गए थे वो बिल्कुल करेक्ट था, ये होता है आपका लेजस्ट, इसका मतलब होता है फुर्सत. फिर आपका ऑप्शन नंबर डी था आपका रेन, इसका मतलब होता है शासन. ये तो बिल्कुल करेक्ट थे, इसलिए आपके ऑप्शन आपको पता ही कौन सा गलत है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर होगा आपका. क्लियर हो रहा है फ्रेंड्स. कोई भी प्रॉब्लम हो, यदि कोई भी क्वेश्चन में आपको कुछ भी डाउट हो तो जरूर आप कमेंट्स करके हमें पूछ सकते हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको. अब देखिएगा लास्ट क्वेश्चन मैं बता रहा हूं आपको, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये. व्हाट डज पुट ऑफ मीन इन द फॉलोइंग सेंटेंस, आई हैड इनवाइटेड सम गेस्ट. अब देखिए गेस्ट
गेस्ट आप जानते ना अतिथि, उनको बुलाया जा रहा है. आई हैड इन्वाइटेड सम गेस्ट्स टू डिनर बट आई हैड टू पुट देम ऑफ बिकॉज अ पावर कट प्रिवेंटेड मी फ्रॉम कुकिंग एनीथिंग. अब इसके ऑप्शन को आप देखेंगे, ऑप्शन नंबर ए है आपका स्विच ऑफ द लाइट, ऑप्शन नंबर बी है आपका स्टॉप कुकिंग, ऑप्शन नंबर सी है टेल टू पोस्टपोन द विजिट, ऑप्शन नंबर डी है आपका ऑल ऑफ द अबो. तो मैंने कुछ अतिथि को रात के खाने के लिए इनवाइट किया, आमंत्रित किया था, लेकिन मुझे उन्हें ना कहना पड़ा क्योंकि एक पावर कट ने मुझे कुछ भी पकाने से रोक दिया. तो यदि इसका मीन आप देखेंगे पुट ऑफ, तो पुट ऑफ का मतलब हो रहा है यहां पास ऑप्शन नंबर सी टेल टू पोस्टपोन द विजिट, अर्थात उसको स्थगित कर दिया गया, नेक्स्ट टाइम कभी भी वो विजिट कराएंगे. अभी मैंने आपको 15 क्वेश्चन कराए हैं, 15 क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, और ऐसे ही और टेस्ट सीरीज के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें. यदि आप पहली बार हमसे जुड़ रहे हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लेंगे ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए. वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा, कमेंट्स करिएगा. थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स.